हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाराणसी यूट्यूबर मीनू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो ये है थर्सडे मॉर्निंग, नहीं आप बोल सकते हो लंच की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो लंच में मैं बनाने जा रही थी जो हरे वाले सूखे मटर होते हैं ना, उसके मैं जा रही थी छोले बनाने। तो छोला मैंने बॉयल कर लिया है, तो प्याज फ्राई करने के लिए कढ़ाई पैन में रख दिया था, तो बस ये सूखे मसाले डाले हैं, फिर उसके बाद प्याज डाल दिया है। तो प्याज को फ्राई करने के लिए मैंने डाल दिया था, पहले सूखे मसाले डाले थे, वही इलायची होता है खड़ी इलायची गरम और ये जीरा वगैरह सब दालचीनी से डालने के बाद प्याज फ्राई होने के लिए डाल देती हूँ। फिर उसके बाद अदरक लहसुन मिर्च का मैंने पेस्ट तैयार किया था उसको डाल देती हूँ। फिर उसके बाद हल्दी पाउडर, सूखे गरम मसाले और डालूँगी छोले मसाले एवरेस्ट के। छोले मसाले डालने से होता है थोड़ा सा खट्टा खट्टा स्वाद आता है, टेस्ट लगता है छोले का तो अच्छा लगता है। तो बस इसको भी डाल देती हूँ छोले मसाले और सूखे गरम मसाले डालती हूँ। तो मसालों को अच्छे से फ्राई होने देंगे, फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर कटे हुए। तो टमाटर मैंने एक ही लिया था और धनिया मैं ऊपर से नहीं डालती, साथ में ही डाल देती हूँ ताकि धनिया का भी टेस्ट अच्छे से हमारे मसालों के साथ मिल जाए। तो उसको अच्छे से मसालों को फ्राई कर लेंगे। मसाले जितने अच्छे से फ्राई होंगे तो छोले का हमारा टेस्ट अच्छा आएगा। तो उसको चलिए मिला लेते हैं, मिलाने के बाद अच्छे से उसको फ्राई कर लेंगे। और वैसे तो मैंने छोले में नमक डाले थे बॉयल करते वक्त, क्योंकि नमक नहीं डालो तो छोला थोड़ा कड़ा कड़ा अच्छे से बॉयल नहीं होता है। तो छोले में नमक डाल के बॉयल कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा टमाटर को गलाने के लिए हल्का सा इसमें भी नमक डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं। छोले में तो मैंने पूरे अच्छे से डाल दिए थे नमक जितना मुझको चाहिए। तो मसाले देखिए अच्छे से तेल छोड़ रहे हैं, तो इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें छोला, जितना हमको छोला मैंने बॉयल किया है। तो हरे मटर का जो सूखा वाला मटर होता है वही था मेरे पास, तो मैंने उसको बॉयल कर दिया था। तो बस ये छोले का है, छोले को अच्छे से धो के पानी चढ़ाया था, तो इसलिए पानी सही थी। मैं छोले को डाल दूँगी और अच्छे से उसको मिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी मसाले भी अच्छे से ताकि छोले में मिल जाए। फिर उसके बाद उसको अच्छे से बॉयल होने देंगे। छोला तो पका हुआ है, मसाला भी पका हुआ है, लेकिन जो छोला और पानी सब जो अलग अलग लग रहा है वो एक साथ अच्छे से पक जाएगा, तो हमारा छोला बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इसको हम लोग अच्छे से बॉयल कर देते हैं, चला लेते हैं, मतलब अच्छे से बॉयल हो जाए और इसको पका लेंगे। मसाला जो पानी हमारा दिख रहा है वो पानी अच्छे से पक जाएगा, तो मसाला और छोला अच्छे से मिल जाएंगे और छोला अच्छे तरीके से बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी था छोला। तो बस इसमें हल्का सा मैं नमक वैसे डाल देती हूँ ऊपर से हल्का सा, कि ताकि जो टमाटर है खड़े खड़े वैसे तो गल ही चुके हैं टमाटर, फिर भी थोड़ा सा डाल दूँगी तो ये अच्छे से गल जाएंगे टमाटर भी और पानी भी हमारा अच्छे से पक जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे छोले अच्छे से पक गए और पानी भी देखिए कितने अच्छे से पक गया है ना, पूरा मसाला भी अच्छे से इसका फ्राई ऊपर से देखिए पूरा ये आ रहा है इसके छोले का धुआं धुआं जैसा आँच लग रहा है। तो आप लोग को दिख नहीं रहा लेकिन छोला बहुत ही अच्छे से पक गया, बहुत ही अच्छा बना था। बच्चों का एग्ज़ाम था तो उन लोगों को 8 बजे गई थी, तो 10 बजे आ गई थी। तो सुबह ये लोग जल्दी ली कुछ भी खा के नहीं गए थे, तो सुबह मैंने जो पूरी इन लोगों के लिए छानना था पूरी छाना था, तो सुबह वो नहीं खा के गई, पापड़ ही चिप्स वही खा के और दूध पीकर चली गई थी। तो इसलिए मैंने जो पूरी बचा हुआ था तो इन लोग स्कूल से पढ़ कर आई, 10 बजे मैं गई स्कूल से लेकर आई, तो इन लोगों को पूरी और जैम लगा के दे देती हूँ, ऐसे क्या ये लोग खा लेती अच्छे से। और जैम मैं हमेशा इन लोगों के लिए रखती हूँ, ये किसान का जैम है, फ्रूट जैम अच्छा लगता है और बच्चों लोगों को पसंद भी आता है, तो मैं इसको हमेशा रखती हूँ। तो बस ये पूरी जो बचा हुआ है, ज़्यादा पूरी नहीं था, 4 पूरी था, तो इन लोगों को 2-2 पूड़ी ऐसे करके बीच में करके जैम करके 2 पूड़ी करके लगा के दे दूंगी, तो ये लोग खा लेंगी।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाराणसी यूट्यूबर मीनू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी शाम का टाइम हो गया है, तो जैसे आप लोग देखा कि मैंने चाय पकौड़ी बनाया, चाय पकौड़ी खा लिया है। बच्चों का आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, तो 8 बजे लोग जाती है, 10 बजे छुट्टी हो जाती है। तो इन लोगों को मैंने बैठाया थोड़ा सा पढ़ाने के लिए, थोड़ा तुम लोग बैठ जाओ, बैठ के पढ़ाई कर लो। और बाहर मौसम वही है, जैसे बारिश तो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन पूरा बादल घिरे हुए हैं और बारिश हो सकता है वो, तो इसलिए बारिश में बस मन कर गया कि मैं पकौड़ी बनाऊँ। तो थोड़ा सा आलू का, बस एक ही आलू मैंने कट किया था, एक ही आलू का पकौड़ी बनाया, क्योंकि ये लोग तो खा ही नहीं, ये लोगों के लिए चिप्स निकाल लिया था, तो मैंने बस एक आलू का जो पकौड़ी था उसको बनाया। और आप लोग बताना किसका किसका मन करता है बारिश में पकौड़ी खाने का। मेरा तो बहुत मन करता है, जब बारिश होने लगती है तो मन करता है कि कुछ तला वाला खाएँ या पकौड़ी खाएँ। पकौड़ी तो यार अपने यहाँ सभी लोग खाते हैं, बारिश के टाइम में मन कर ही जाता है कि कुछ पकौड़ी बनाते हैं, कुछ खाते हैं। तो बस वही मैंने पकौड़ी बनाया, और शाम में देखते हैं खाना नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह मैंने जो हरे मटर का छोला बनाया था तो वो बचा हुआ है अभी, तो शाम में वही हो जाएगा। देखो ना ये कबूतर हाँ, तो अंग लिखो ना यहाँ पर, नहीं तो वो छोड़ दो ना, यहाँ तक लिखो अंग। अच्छा। तो बस यही, इन लोगों को थोड़ा सा बैठा दिया था पढ़ने के लिए। आज हिंदी का था मौखिक था, और कल है लिखित, मतलब लिख के इन लोगों को करना पड़ेगा। तो वही क से ज्ञ तक मैं इन लोगों को पढ़ा रही थी कि थोड़ा सा लिख लेंगी, प्रैक्टिस हो जाएगा तो एग्ज़ाम में अच्छे से लिख लेंगी। खैर छोटे बच्चे हैं तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो भूल ही जाती हैं, तो अभी तो उतना नहीं है, तो फिर भी बच्चों को थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस कराना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से लिख ले। लिखने का प्रैक्टिस मंजित रहना चाहिए बच्चों का कि वो अच्छे से लिख ले। तो वही मैं कह रही थी कि शाम में छोला है वह मैं नहीं बनाऊँगी, और चावल भी बचा उसी को फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा रोटी बना दूँगी, हो जाएगा। और ये अभी ड्यूटी से अभी आए नहीं है, तो बस यही है, बच्चों को थोड़ा देर पढ़ा लेती हूँ। चाय वाय सारा हो गया है, कपड़े वपड़े भी छत से सब लेकर आ गई, और बस चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। इन लोगों को मैं पढ़ा लेती हूँ पहले, नहीं सोच रही हूँ चलो अपने ब्लॉग का एंड ये भी कर देती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है? तो क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो कोई देखता नहीं है, छोटा ब्लॉग रहता है तो थोड़ा बहुत तो कोई देख ही लेता है। तो मैं अपने ब्लॉग का यही एंड करूँगी, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट्स मेरे साथ शेयर करिएगा। और जो नए हैं मेरे चैनल पे वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।